दौर के युग पुरुष आश्रम में हुई बच्चों की मौत के मामले में अब पीएमओ और केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संज्ञान लिया है। इसके तहत जांच दल को इंदौर भेजा गया है। जांच दल ने दस्तावेजों का पुलिंदा और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि ये रिपोर्ट पहले पीएमओ को सबमिट होगी। आश्रम में किए गए दौरे के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर दिव्या गुप्ता और राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष रविंद्र मौर्य ने बताया कि आश्रम में कई लापरवाही सामने आई है। कई सबूत या तो मिटा दिए गए या बदल दिए गए हैं। आश्रम में रंगाई पुताई की जा रही है और बिस्तर के गद्दे भी बदले गए हैं। गुप्ता का कहना है कि आश्रम के कर्मचारियों के रिकॉर्ड के अलावा हाजिरी रजिस्टर और सरकार से मिले अनुदान और दानदाताओं से मिले दान की भी जानकारी ली गई है। लोकल इंदौर का विषय न होकर ये राज्य और राष्ट्रीय विषय बन चुका है। माननीय मंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से ये हमको ताकीद आई है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसके कारण हम यहाँ उपस्थित हैं। हम आश्रम भी गए थे, आश्रम में भी जाके हमने बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करी हैं। दुखद बात यह है कि जो प्रथम दृष्टया वहाँ पर जो फाइंडिंग्स थी, वो अब सारी फाइंडिंग्स मिटा दी गई हैं या मिट गई हैं या उनका सफाया हो गया है। वहाँ साफ़ सफाई हो गई, पानी की टंकी साफ हो गई, गद्दे बिस्तरे सब बदल दिए गए हैं, पंखे बदल दिए गए हैं, पुताई हो रही है, चमाचम हो गया है अब आश्रम। और अब वो जो जिनके कारण जो कुछ घटना दुर्घटना हुई थी वो सब अब वहाँ पे नहीं है।